ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन गेम के बारे में। तो यार इस वीडियो के अंदर बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन गेम के कुछ फीचर्स, उसकी रिलीज डेट, प्लेटफॉर्म्स एंड और भी बहुत कुछ। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना, एंड अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइस, दिस इज सैम वॉकर एंड यू आर वॉचिंग बिग बैन जी। तो यार अगर आपने गेम्सकॉम 2022 का शो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेम्स अनाउंस हुए थे, तो उनमें से एक था लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन। अब आई नो कि आपको पता नहीं होगा कि जो लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन है ना, वो एक नया गेम नहीं है। इसका एक पहले भी गेम आ चुका है जिसका यही नाम था सैम टू सैम, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम इतना ज़्यादा नहीं चल पाया जिससे उसकी कोई सीक्वल वगैरह ये भी नहीं बनी। एंड इसीलिए इस गेम की जो फ्रेंचाइजी है ना, उसको जो डेवलपर्स है ना वो रिबूट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो नया गेम है ना उसका नाम भी वहीं रख दिया, लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन। तो यार लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन एक डार्क फैंटेसी ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम होने वाला है जो कि सेट होगा 1000 साल बाद, मतलब जो पुराना गेम था उसके 1000 साल बाद की इस गेम की सेटिंग है। एंड यार इस गेम के अंदर आपको दो पैरेलल वर्ल्ड्स देखने को मिलने वाले हैं, एक तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स एंड एक जो मर गए ना उन लोगों का वर्ल्ड होने वाला है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने वेबसाइट के ऊपर यही देखा था कि इस गेम के अंदर पैरेलल वर्ल्ड होने वाले हैं दो, जो कि सुनने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जब गेम रिलीज होगा तब देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ करते हैं। इसी के साथ साथ यार इस गेम का जो वर्ल्ड होगा ना, मतलब इस गेम का जो मैप होगा ना, वो 5 times बिगर होगा ओरिजिनल वाले लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन गेम से, जो कि यार एक्सप्लोरर्स के लिए बहुत ही तगड़ी चीज़ है। क्योंकि यार मेरे जैसे कई लोग होते हैं जिनको बड़ा मैप पसंद है, क्योंकि एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए गुड थिंग फॉर ऑल द एक्सप्लोरर्स लाइक मी, क्योंकि यार मैं तो बोरिंग से बोरिंग गेम के भी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता हूँ ताकि कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। तो चलो अब बात करते हैं अगले फीचर के बारे में। तो यार इस गेम के अंदर आपको टोटली कस्टमाइजेबल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि मोस्टली आजकल हर एक गेम के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कस्टमाइजेबल कैरेक्टर नहीं होता ना तो लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करते हैं गेम्स को। तो यस, इस गेम के अंदर भी आपको कैरेक्टर कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। कैरेक्टर कस्टमाइजेशन के साथ साथ इस गेम के अंदर आपको एक बहुत ही तगड़ा सिंगल प्लेयर कैंपेन देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस गेम को आप कोऑपरेटिव भी खेल पाओगे। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टोरी लाइन को शेयर करना चाहोगे ना, तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक एल्डन रिंग वगैरह उनके अंदर आपने खेला होगा, तो वैसे की वैसी चीज़ें आपको इस गेम के अंदर भी देखने को मिलेगी। इन सिंपल वर्ड्स, इस गेम के अंदर आपको सिंगल प्लेयर के साथ साथ मल्टीप्लेयर का भी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मतलब आप अकेले चाहो तो अकेले खेल सकते हो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहो तो उनके साथ भी खेल सकते हो। बाकी जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो गेम होने वाला है ना, वो एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है। तो अगर ओपन वर्ल्ड गेम होगा तो ऑब्वियसली यार इसके अंदर साइड क्वेस्ट वगैरह ये भी देखने को मिलेंगे। लाइक आपने विचर वगैरह ये खेले होंगे, तो जो NPCs होते हैं ना उनके पास से अपने को बहुत सारे साइड क्वेस्ट वगैरह ये देखने को मिल जाते हैं। तो सिमिलर चीज़ होने वाली है लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन गेम के अंदर भी। मतलब आप जब वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको बहुत ही तगड़े तगड़े साइड क्वेस्ट वगैरह ये भी देखने को मिलेंगे, जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो लेवल अप करने में एंड एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स वगैरह ये गेन करने में। बाकी यार अगर अपन बात करें इस गेम के प्लेटफॉर्म्स की, तो ये मोस्टली सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएगा, इंक्लूडिंग प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स एंड अपना प्यारा PC। एंड अगर रिलीज डेट की अपन बात करें तो ये 2023 के अंदर ही रिलीज होगा। अब इसकी वैसे कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट 2023 है, तो आई थिंक ये गेम 2024 तक अपने को देखने को मिलेगा। क्योंकि यार आपको भी पता है कि गेम डिले हो जाते हैं आजकल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह इनकी वजह से, तो क्या पता ये भी डिले हो जाए। बट जहाँ तक मुझे लगता है ना, 2023 या जो 2024 की बिगेनिंग है ना, तब तक आपको ये गेम देखने को मिल जाएगा। बाकी यार इस गेम का जब मैंने ट्रेलर देखा था, तो भाई लिटरली मतलब मेरे बॉडी के अंदर गूज बम्स आ रहे थे। मतलब इतना खतरनाक ट्रेलर था ना कि भाई मैं तो फैन ही हो गया इस गेम का। अगर उस ट्रेलर के अंदर जो कुछ दिखाया है वैसा कुछ रियल में होता है ना, तो भाई आई एम प्रिटी श्योर कि ये गेम एल्डर रिंग से भी तगड़ा होगा। क्योंकि यार भाई ट्रेलर के अंदर बहुत कुछ दिखाया है उन लोगों ने, लेकिन जब रिलीज़ होगा तब अपन देखेंगे। बाकी जो पुराना वाला गेम था ना भाई, उसको भी मैंने बहुत खेला है, लेकिन वो गेम थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, एंड उस टाइम पे मुझे इरिटेशन होती थी ऐसे गेम्स खेलने में, तो मैंने उस गेम को बीच में ही छोड़ दिया था। बट मैं अब इसको वापस से डाउनलोड करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास स्टीम के ऊपर पड़ा है अभी भी। 17-18 GB का गेम है, बहुत ही तगड़ा है। इस गेम के जो कट सीन वगैरह ये है ना,
वो बहुत ही शानदार है भाई, बहुत मस्त है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो गेम है ना वो डार्क सोल्स जैसा गेम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक एनिमी को मारने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, मतलब बार बार मारते रहो, धीरे धीरे मरते हैं साले, इसलिए मुझे इरिटेशन होती है कई बार ऐसे गेम्स के अंदर। तो अगर आपको भी मेरी तरह सोल्स लाइक गेम्स पसंद है तो भाई इस गेम को आप ज़रूर से ट्राई करना। इस गेम की जो साइज़ है ना वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस गेम की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है ना वो भी बहुत ही कम है, एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना कि ये स्टीम के ऊपर सेल में 100 से भी कम रुपए में मिल जाता है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है यार, क्योंकि एक पिज़्ज़ा भी नहीं आती इतने प्राइस में। तो बाकी जो नया वाला गेम है ना लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन फ्रेंचाइजी का, उसके ऊपर मैं अपनी नज़रें गड़ाए रखूँगा कि क्या क्या नई चीज़ें वो अनाउंस करते हैं, क्या क्या नया गेम प्ले में मतलब वो दिखाते हैं, एंड जब वो दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप भी मेरे चैनल के ऊपर नज़रें गड़ाए रखना, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि क्या आप इस गेम के लिए एक्साइटेड हो, क्या आपको सोल्स लाइक गेम्स पसंद है, मतलब जो एल्डर रिंग वगैरह ये है, डार्क सोल्स वगैरह ये है, तो क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद है, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मैं आपकी सबके कमेंट्स देखूंगा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस बंदे की कमेंट होती है। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।